दिल्ली ने एक बार फिर यह साबित किया कि काम ही बोलता है। जात पात धर्म, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंसा की बातें, उग्रवादी होने की बातें और तरह तरह के आरोपों को जनता ने खारिज कर दिया दिल्ली में। और दिल्ली की जो रिजल्ट आ रही है उससे साफ यह जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने आप को बचाने में सफल नहीं हो रही। तो दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया द बीएनवाई न्यूज में विवेकानंद यादव, भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस दमखम के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दावा किया कि 48 पार की पारी खेली जाएगी, लेकिन महज 10-12 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के झाड़ू को 50 से 60 के बीच का सीट मिलना तय माना जा रहा है। जबकि मैंने पूर्व में अपने चैनल के माध्यम से सर्वे में बताया था कि 40 से 50 सीट अरविंद केजरीवाल को मिलनी है, बढ़ जाए 2-4 तो वो अलग बात, लेकिन मेरे सर्वे होने के बाद जो लोगों का मूड बदला और उस मूड बदलने के बाद लोगों ने तय किया कि दिल्ली में शिक्षा, रोजगार, विकास का जो मुद्दा है वही सही मुद्दा है। यहाँ जात पात धर्म तरह तरह की बातों में भटकना नहीं है और भटक कर अपने विकास को अवरुद्ध नहीं करना है। और अरविंद केजरीवाल के आप पार्टी के प्रति दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया और महत्वपूर्ण जीत की ओर तेजी से आप पार्टी बढ़ रही है। 50 से 60 सीट आना तय माना जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 5 से 10 सीट मिलेगी, कुछ बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं देखा बढ़ता देखा जा रहा है, लेकिन यह तय कहा जा रहा है, तय माना जा रहा है कि भाजपा की साख गिरी है, भाजपा का बड़ बोलापन, भाजपा का अहंकार, भाजपा का मूल बातों से लोगों के दिमाग को भटकाना। लोग अब समझ गए कि विकास की बात नहीं की जाती है, बेरोजगारी की बात नहीं की जाती है, आर्थिक मंदी की बात नहीं की जाती है, नोटबंदी की बात नहीं की जाती है, जीएसटी की बात नहीं की जाती है, महंगाई की बात नहीं की जाती है, लेकिन केवल धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों का वोट लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए दिल्ली के लोग बहुत ही बुद्धिमान और समझदार और व्यापारी वर्ग ने तय किया कि जो लोगों के मूलभूत समस्याओं का समाधान करे ऐसे लोगों को ही मत देना है। और इसी का परिणाम यह सामने निकल कर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचने के करीब हैं और सरकार बनना तय माना जा रहा है। 35 आधी होती है, एक ज्यादा 36 में सरकार बननी है, लेकिन 60 के करीब आप पार्टी पहुंच रही है, 58 अब तक घोषित लगभग मानी जा रही है, लेकिन और भी बढ़ने की संभावना है। कई राउंड की गिनती अभी बाकी है, कुछ ऐसे सीट हैं जिसमें 200-400-500 से भाजपा आगे है, हो सकता है वह सीट भी भाजपा की चली जाए और अरविंद केजरीवाल की सीट बढ़ जाए। तो माना यह जा रहा है कि दिल्ली के लोग बड़े ही सूझबूझ के साथ बहकावे में न आकर स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास के बातों को ध्यान में रखकर वोट देने का काम किया। और मैंने हमेशा यह बताया कि द बीएनवाई न्यूज सत्य का प्रतीक, तो हमने जो सर्वे झारखंड में दिया, हमने जो सर्वे महाराष्ट्र में दिया, हमने जो सर्वे हरियाणा चुनाव में दिया, हमने जो सर्वे बिहार उपचुनाव में दिया, उसी प्रकार हमने सर्वे दिल्ली विधानसभा चुनाव का दिया था। मेरा सर्वे, मेरे चैनल का सर्वे, मेरे टीम का सर्वे पूर्ण रूपेण सटीक और सत्य
सत्य बैठता दिख रहा है। आप मेरे पिछले सर्वे को आप देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जो कहा था आज वही सत्य हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास अपने कम विंग पर है, अपने पत्रकारों पर है, मुझे खुद पे है कि मैंने जनता के नब्ज को सही तरीके से टटोल पाया और टटोल कर मैंने जो बात रखी वह बात सत्य साबित हो रही है। भारत का सबसे तेज, सबसे सही और सत्य और सटीक सर्वे देने वाला चैनल, एकमात्र चैनल द बीएनवाई न्यूज, सत्य का प्रतीक द बीएनवाई न्यूज। तो दोस्तों अब कुछ नहीं बचता, भारतीय जनता पार्टी की पुंगी बच चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की भंडा फूट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में अब लोग नहीं आवेंगे। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।